नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमेजन से मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी सीखना चाहते हैं कि अमेजन पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब घंटों उसको दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे थ्री लाइनिंग है, आपको थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अमेजन पे के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप अमेजन में बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किए हैं तो इस टाइम में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से अमेजन में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल रिचार्ज, आपको सिंपल से मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना नंबर डालते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी का है और कहाँ का सिम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है जियो बिहार झारखंड। फ्रेंड्स, यदि किसी अदर कंपनी का है तो यहाँ से आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जियो। इसके बाद सर्किल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालना है कि आप कितने रुपये की रिचार्ज करना चाहते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने के रिचार्ज पे आपको क्या मिलेगा, इसकी वैलिडिटी कितने दिन तक हो गई। यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हमें 11 रुपये का रिचार्ज करना है तो हम यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 11 रुपये में 1 GB डेटा मिलेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 11 रुपया अमाउंट सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस में आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्वाइप टू पे के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। फ्रेंड्स, जो आपने UPI पिन को बनाया उस पिन को यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आपको राइट ग्लोव पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रिचार्ज यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज हो चुका है, हम जितने रुपये का रिचार्ज करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अमेजन के थ्रू मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह से हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।